नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं जिनमें लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं इंडियन होम्योपैथिक दवाई लूं या जर्मन की होम्योपैथिक दवाई लूं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी ये मानते हैं कि केवल जर्मन दवाइयाँ ही कारगर साबित होती हैं। उनका ये मानना है कि इंडियन दवाइयाँ कोई काम नहीं करती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने अपना व्यू रखना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि होम्योपैथिक दवाई आप किसी भी कंपनी की लो, वो एक जैसा ही काम करती है, बशर्ते वो कंपनी जो भी है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। उसने जो पोटेंसी बोतल के ऊपर लिखी है वही पोटेंसी उस शीशी के अंदर होनी चाहिए। पोटेंसी को बनाने के जो मानक होते हैं, अगर उस कंपनी के सही हैं तो ब्रांड कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ डॉक्टरों का भी ये मानना है कि जो रेगवेक कंपनी की दवाइयाँ होती हैं वे बहुत अच्छी होती हैं। काफ़ी हद तक तो दोस्तों इस बात में सच्चाई भी है कि रेगवेक कंपनी की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कहना कि केवल और केवल रेगवेक कंपनी की दवाइयाँ ही काम करती हैं और सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ बेकार हैं, ये सरासर गलत है। होता ये है कि रेगवेक कंपनी की दवाइयाँ बनाने के जो मानक हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हैं और उन मानकों के आधार पर ही कंपनी दवाई बनाती है। तो इसी कारण से जर्मन कंपनियों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, शुद्धता उसमें ज़्यादा आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जर्मन की जो कंपनियाँ हैं, चाहे वो डॉक्टर रेगवेक हो, चाहे वो विलियम स्वाबे हो, चाहे वो एडल हो, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। ऐसे में जो सामान्य आदमी है वो इन्हें नहीं खरीद पाता। वो डॉक्टर जिन्होंने अभी अभी अपना क्लिनिक खोला है, अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, पेशेंट उनके पास ज़्यादा नहीं आते हैं, वे भी इतनी ज़्यादा महंगी दवाइयों को नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए दोस्तों, कुछ इंडियन कंपनियाँ आजकल मार्केट में हैं जो अपने मानकों पर बहुत अच्छा काम करती हैं, दवा की शुद्धता पर बहुत अच्छा काम करती हैं। इन कंपनियों में सबसे पहले नंबर पर है SBL। SBL कंपनी की दवाइयों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर है मेडिसिन कंपनी की दवाई भी बहुत अच्छी होती है। और तीसरे नंबर पर है बैक्सन। ये तीनों कंपनियां ही बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो अपनी दवाइयों में जो पोटेंशियल होती है उसके मानकों का भी ध्यान रखती हैं, शुद्धता का भी ध्यान रखती हैं। तो अगर आप ज्यादा महंगी दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप भारतीय ब्रांड की इन कंपनियों की दवाई खरीद सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, उनके मन में ये वहम हो जाता है, उन्हें लगता है कि मुझे तो डॉक्टर रेगवेक कंपनी से ही आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अपने डॉक्टर को अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है या डॉक्टर ने आपकी दवाई के सिलेक्शन में कोई लापरवाही की है, आपके लक्षणों को ठीक से नहीं मिलाया है, तो आप कितनी भी महंगी दवाई ले लें, आप डॉक्टर रेगवेक कंपनी की भी दवाई ले लें, आपको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपके लक्षणों को ठीक से समझा है, आपने अपने हिस्ट्री के बारे में उन्हें खुल के बताया है, तो ऐसे में इंडियन ब्रांड की दवाइयाँ भी अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में।